Good morning, students. Today we will start exercise 6.3 of chapter 6, square and square roots. So, हमारे exercise 6.3 का first question है, what could be possible once digits of the square root of each of the following numbers? Question first में हमें numbers given है, हमें बताना है कि possible one digit of the square root of the following numbers. First number हमें given है 9801. इसकी वन के प्लेस पर कौन सा डिजिट गिवन है, हमें वन गिवन है, ठीक है. तो कौन से नंबर्स का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी यूनिट प्लेस पर वन आता है, एक से जब हम वन का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, वन का स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट डिजिट पर क्या आता है, वन ही आता है. और एक नाइन का स्क्वायर करते हैं तो नाइन का स्क्वायर आता है हमारे पास 81, उसकी यूनिट डिजिट पर भी क्या आता है, वन आता है. क्या आ जाता है हमारे पास, वन आ जाता है. सो देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 9801 इज इक्वल्स टू किस किस के हो सकता है, वन के और नाइन के. सेकेंड नंबर हमें गिवन है 99,856. इसकी वन की प्लेस पर कौन डिजिट गिवन है, सिक्स गिवन है, ठीक है. तो किस नंबर के स्क्वायर करने पर उसकी यूनिट डिजिट पर सिक्स आता है, एक तो हम जब फोर का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 16, उसकी यूनिट डिजिट पर सिक्स आता है. उसी तरह से जब हम सिक्स का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 36, उसकी यूनिट डिजिट पर भी सिक्स आता है. तो देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 99,856 इज इक्वल्स टू 4 और 6. किसके इक्वल हो सकता है, या तो 4 के या फिर 6 के. तो इसी तरह से आप बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट्स कर लेंगे खुद से. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. जस्ट ये वाला क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 6.2 में भी करके आ चुके हैं. हमने कुछ नंबर्स दिए हैं और हमें बिना किसी कैलकुलेशन के ये बताना है कि नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, ठीक है. तो ये बात हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स एंड होते हैं 0, 2, 3, 7 और 8 पर, किस पर, 0, 2, 3, 7, 8 पर, ये अगर याद नहीं है तो याद कर लेना है कि जो नेचुरल नंबर्स एंड होते हैं 0, 2, 3, 7, 8 पर वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं. यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 153, 257, 408 एंड 441. अगर हम उनकी सबके लास्ट डिजिट देखें, सबके लास्ट डिजिट देखो, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 8 और वहाँ पर है 1. तो ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर तो 3 है तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. यहाँ पर है 7, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. यहाँ पर है हमारा 8, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. पर जो लास्ट वाला नंबर है 441, कौन सा नंबर, 441, हमने कहा 0, 2, 3, 7, 8 अगर लास्ट डिजिट पर आती है तो वो नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. और 441 में जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 1 है. 1 है तो इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 100 का और 169 का, कौन से मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से. अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड कौन सा होता है देखेंगे. देखो मैं आपको 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करके बता रही हूँ, आप 169 का खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है. इसलिए 169 का तभी कर पाएंगे जब आप 100 का समझ लेंगे. तो आपको 100 का थोड़ा ध्यान से समझना है. हम 100 का यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं कौन से मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से. तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड कैसे करते हैं, हमें यहाँ पर नंबर गिवन है 100, क्या गिवन है 100. तो 100 में से मैं क्या करूँगी, ऑड वैल्यूज को धीरे धीरे माइनस करते चलेंगे हम. कौन सी वैल्यूज को माइनस करते चलेंगे, ऑड वैल्यूज को. 100 में से सबसे पहले मैंने माइनस किया 1, तो 100 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना रहता है, 99. फिर 99 आ गया हमारे पास. अब 99 में से माइनस करेंगे 3, ठीक. 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर कौन सा आता है, 3 आता है, ठीक है. तो 99 में से 3 माइनस करें तो कितना आ गया हमारे पास, 96, ठीक है. अब 96 में से हम क्या माइनस करेंगे, 5. तो 96 में से 5 माइनस करा तो 91. 91 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84. 84 में से नेक्स्ट हमारे पास ऑड नंबर क्या था, 7 के बाद 9. तो 84 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75. 75 में से 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64. 64 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 51. अब क्वेश्चन ये उठता है कि कब तक माइनस करते रहे सब्ट्रैक्शन में, इस रिपीटेड मेथड्स में हम कब तक ऑड वैल्यूज को माइनस करते रहे, तब तक करना है जब तक हमारा रिजल्ट जीरो नहीं आ जाता. कब तक करना है, जब तक रिजल्ट क्या आ जाता, जीरो नहीं आ जाता. अब 51 में से माइनस करेंगे 50 तो हमारे पास आ जाएगा 36. 36 में से माइनस करेंगे 17 तो हमारे पास आ जाएगा 19. अब 19 आया तो 19 में से अब 17 के बाद और नंबर क्या आता है, 19 आता है. तो 19 में से 19 माइनस करें कितना आ गया, जीरो आ गया. यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे. यहाँ पर हम स्टॉप क्यों कर देंगे, क्योंकि अब वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, जीरो आ चुकी है. हमें वैल्यूज को डेडिकेट
वी हैव परफॉर्म सब्ट्रैक्शन 10 टाइम्स. हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कितनी टाइम्स करा है? 10 टाइम्स करा है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कितनी टाइम्स करा है? 10 टाइम्स करा है. तो स्क्वायर रूट क्या होगा? 100 का 10 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा. तो इसी तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 169 का बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. 169 में से सबसे पहले 1 माइनस करेंगे, फिर 168 आएगा, फिर 168 में से 3 माइनस करेंगे. ऐसे आप तब तक करते जाएंगे रहेंगे जब तक आपका रिजल्ट जो है लास्ट में क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए. फिर आप उन सारे जितने भी स्टेप्स हैं उनको काउंट कर लेंगे कि आपने कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया है, और सब्ट्रैक्शन जितनी बार किया है वही आपके उस नंबर का क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा. ठीक है. Now let's come to the question number 4. Find the square roots of the following numbers by the prime factorization method. Question 4 में हमें numbers दिए हैं, उनका हमें square root find करना है. कौन से method से? Prime factorization method से. First number हमें given है 729. हमें क्या करना है? कौन से method से find करना है? Prime factorization method से. और हम prime factors कैसे करते हैं ये पता है हमको? ठीक है. तो 729 के हम prime factors करेंगे. ठीक है. 729 के factors करना start करेंगे. जान सकता तो कितने टाइम्स आएगा? 243 टाइम्स. ठीक है. अगेन आप 243 से जा सकता है. 3 8 24 3 1 3. फिर अगेन ये 3 से जा सकता है. कितने टाइम्स? 27 टाइम्स. फिर वापस से 3 6 3 9 27. 3 3 9 एंड 3 1 3. तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास? हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3. ठीक है. तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम दो दो के पेयर बना लेंगे. एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया. ठीक है. हमारे पास ऐसे करके तीन पेयर बन गए. अब हर एक पेयर में से एक वैल्यू बाहर ले लेंगे. तो यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 3 और यहाँ से आ गया 3. अब तीनों को मल्टीप्लाई करो. 3 3 9 9 3 से कितना होता है? 27. तो अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट 729 में कितना होगा हमारे पास? 27. इसका होगा 27 का. इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू जो है 400 उसका फाइंड कर सकते हैं. दूसरा नंबर है हमारे पास क्या? 400. ठीक है. 400 के फैक्टर्स कर लेते हैं. 400 के फैक्टर्स करेंगे. 2 से जाएगा ये 200 टाइम्स. अगेन फिर 2 से जा सकता है 100 टाइम्स. ठीक है. फिर और किसी जा सकता है वापस 2 से जा सकता है 50 टाइम्स. देन अगेन 2 से जा सकता है 25 टाइम्स. देन अब 2 से नहीं जा सकता. अब किससे जाएगा ये? 5 से. 5 5 25 5 1 5. तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5. ठीक है. पेयर बना लो. एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया. तो यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 5. 5 × 2 = 10 और 10 × 2 = कितना होता है हमारे पास? 20. तो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना आ गया हमारे पास? 20. ठीक है. इसी तरह से जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आप उससे ट्राई करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स को हमारे नया मेथड ये हम इस करते जा रहे हैं. ठीक है. और हमने यहाँ पर बता भी दिया कि हम प्राइम फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं. उसके बाद आपको क्या करना है? उनके पेयर्स कर लेने हैं. हर एक पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेना, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. तो इस तरह से आप गिवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हम उससे ट्राई करके देखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑफ. क्वेश्चन 5 में हमें क्या गिवन है कि हमें नंबर्स गिवन है. हमें क्या फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें उस नंबर से और हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए. फिर जो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 252. तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे. तो 252 के फैक्टर्स करते हैं. तो 2 से जा सकता ही है कितने टाइम्स? 126 टाइम्स. वापस 2 से जा सकता है कितने टाइम्स? 63 टाइम्स. अब जाएगा 3 से कितने टाइम्स? 21 टाइम्स. फिर 3 से जा सकता है वापस 7 टाइम्स और 7 से जा सकता है 1 टाइम. तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास? 2 × 2 × 3 × 3 × 7. पेयर ही करेंगे. इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, पर इसका पेयर नहीं बन पाया. 7 जो है वो पेयर में नहीं आ पाया. यहाँ पे 7 पेयर नहीं हो पाया. तो यही हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर. यही हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर. अब क्या करेंगे हम? जो हमारे पास नंबर है 252, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर से. वो नंबर जो पेयर में नहीं आ पाया वही हमारा क्या होगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा. ठीक है. तो ये हमारा पेयर में नहीं आ पाया तो इसको मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 252 से, जो हमारा नंबर गिवन है ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 252 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आएगा 1764, कितना आ जाएगा 1764। अब हम क्या करेंगे, 1764 के फैक्टर्स निकालेंगे और इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे पेयरिंग करके, ठीक है। हमारे पास न्यू नंबर क्या आ चुका है 1764, यही काम करना है वापस से प्राइम फैक्टर्स करके उसकी पेयरिंग करके उसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास न्यू नंबर क्या आया है, अभी मल्टीप्लाई करने पर होल नंबर से न्यू नंबर हमारे पास आया था 1764। अब 1764 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास 2882, वापस से पूछ जा सकता है 441, फिर 3 से जाएगा, 3 से कितने टाइम्स 147, फिर अब किससे जाएगा 3 से 49 टाइम्स, 3 किससे जा सकता है 7 से, 7 7 1 7 7, इसके फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, पेयरिंग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 3 × 7, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 2 × 3 × 7, हमारे पास 7 × 21 21 × 2 42, तो अंडर रूट 1764 स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ गया इसका 42, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे। Now let's come to the question number 6. Sixth बिल्कुल fifth की तरह ही है। देखो for each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided. क्या बोला है? By which it should be divided so as to get a perfect square number. Also find the square root of the number square number so obtained. अभी जो काम हम question number fifth में करके आए हैं वही काम करना है। इस बार multiply ना करके जो whole number हमको मिलेगा उसको given number से multiply के हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और फिर जो नंबर हमें नया मिलेगा जो न्यू नंबर मिलेगा उसके हम क्या कर देंगे इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे। हमारे पास फर्स्ट नंबर गिवन है 252, क्या गिवन है 252, 252 के हमने प्राइम फैक्टर्स करें तो हमारे पास आए 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ठीक है। यहाँ पर 2 पेयर्स में आ गए, 3 पेयर्स में आ गए, पर 7 पेयर में नहीं आ पाया, जो 7 था उसका पेयर नहीं बन पाया, तो यही हमारे पास क्या है स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या है हमारे पास ये स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब ये जो होल नंबर हमें मिला है इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास नंबर है 252 से हम डिवाइड कर देंगे, 252 को डिवाइड कर देंगे 7 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36, ठीक है। अब 36 हमारे पास न्यू नंबर आ चुका है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो न्यू नंबर आपको मिलेगा उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 36 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, उसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे और पेयर्स बनाएंगे, तो 2 और 3 के पेयर्स बन जाएंगे, हर एक पेयर्स में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो 2 × 3 कितना होता है 6, और हमको ये भी पता है कि 6 का स्क्वायर ही 36 होता है, तो अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6। तो इस तरह के जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे, इस बार मल्टीप्लाई नहीं करना आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर को बल्कि क्या करना है डिवाइड करना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको मल्टीप्लाई करने को बोला है या डिवाइड करने का बोला है, और जो भी आपको न्यू नंबर मिलेगा अगेन उसका क्या कर देना प्राइम फैक्टर्स करके तैयारी करके स्क्वायर रूट फाइंड कर देना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके जो आगे के इस एक्सरसाइज के जो आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।